अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो वीडियो से आप लोग भी जुड़े रहने। तो आज हम जा रहे हैं लोधरा, तो किस काम से। तो हमारी जो सिस्टर है ना, मेरी नंद और इनकी बड़ी बहन हो गई, तो उन्होंने चेकअप करवाना है। तो हमने सोचा चलते हैं उनके साथ और हम थोड़ा वीडियो भी बना लेंगे और उनका चेकअप भी करवा लेंगे। वैसे तो आज इतनी थकावट है ना, कल भी सारा दिन बाहर रहे हैं तो हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी है तो उसने कहा हमने कहा इनकार करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए हम जा रहे हैं। तो अभी तकरीबन हो रहा है एक का टाइम, तो हमने जो है ना दिन का खाना पीना कर लिया है। तो अभी कपड़े करना, परसों दो दिन पहले मैंने जो कपड़े लिए थे वो भी सिलाई होकर आ चुके हैं, एक जोड़ा आ गया है। तो मैंने सोचा आज वही पहन लेती हूँ, क्योंकि वो आप सब बहन भाइयों को दिखाया भी नहीं था, क्योंकि वो मैंने लिया था जल्ले से। तो इस जनाब को भी मैं कह रही हूँ कि आप नया सूट पहन लें, वो रखने के लिए नहीं होते, दिखाने के लिए नहीं होते, सिर्फ पहनने के लिए होते हैं। तो देखें ये जिद पूरी करते हैं या नहीं करते। इतनी धूप है ना आज, सीधा मुंह के सामने आ रहा है ना। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और हमारे जो दरख्त है ना वो बेचारे जो है ना सूख रहे हैं। ये वाला छोटे छोटे वो सामने देखो जो छोटा दरख्त है ना, उनका बिल्कुल सूख गया। तो आप ही की तैयारी करके आ चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में हमें भी तैयार होना चाहिए, तो देर हो जाएगी। चले चलो, अभी हम अंदर आ चुके हैं और अंदर हमारा जाने को बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा कि अंदर जाके वीडियो बनाए, क्योंकि अंदर सर्दी लगती है और बाहर धूप बहुत अच्छी है। तो अंदर ठुक ठुक की आवाज़ तो अम्मी जी जो लगता है चटनी बना रही हैं, तो हमने भी चटनी खाई लेकिन वो सिर्फ धनिया की चटनी बनाती है और ज़्यादा नहीं बनाती दही वाली। तो जी अभी आपको दिखाते हैं कपड़े जो कि हमने लिए थे। ये है मेरे हस्बैंड जी की पसंद, जो मैंने पसंद किया है उसे वापस कर दिया इसने वो कलर, और ये कलर लिया है। तो आपने बताना है कि ये कलर कैसा है। वैसे भी इसकी ली हुई चीज़ आप सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसे इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है ना। और ये है इसकी शलवार, देखिए शलवार पर भी डिज़ाइन बना हुआ है। तो एक सेकेंड मैं इसका दुपट्टा ले आती हूँ। तो जी ये कमीज़ है, ये शलवार है और ये है साथ में दुपट्टा, बिल्कुल चादर की चादर है, दुपट्टे का दुपट्टा है। ये देखें एक साइड इसकी बनी हुई है, एक साइड में बनी, बहुत ही खूबसूरत। इस दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट किया, सच बताऊँ बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी जी का सूट। ये तो पहले वाला नाप वाला है, ये लिया अम्मी का। अभी गिरती भी थी मैं, ये देखे माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है। अभी वाह, अम्मी के सूट पे लैस भी लगी हुई है चट्टल वाली लैस लगी हुई है। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है। इसकी शलवार है जो मेरा है वो स्टेपल का है, और ये जो है ना ये सब दे रही है, और ये है इसका दुपट्टा। तो अभी मैंने ये सूट पहनना है और साथ में आपने नया सूट पहनना है, क्या ख्याल है? अब बोल भी दो क्या है, आज बोलने का दिल नहीं। मैं तो कहता हूँ मुझे छोड़ दो आज, आप रजाई डाल के सो जाओ। ऐसा बहुत मुश्किल है आज मेरे लिए कपड़े चेंज करना, आगे भी वीडियो बनना नहीं है, पुराने दिल नहीं कर रहा आज। क्या कहेंगे इतने बड़े यूट्यूबर को, देखो कपड़े पुराने जाने। नहीं वो तो खैर बात नहीं, इतने पुराने भी नहीं है। चलो खैर आपकी जरूर मानूंगा, पहन लेती हूँ थोड़ा तैयार होते उसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम तैयार हो गए हैं। वैसे बार हमारा मूड था कि हम बाहर जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, तो आज वैसे ही जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने बताना कि ये सूट मुझे कैसा लग रहा है। तो ये है इन जनाब की पसंद, और ये कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, सूट भी बहुत प्यारा लगा है मुझे जी। आप बताओ कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, खुद को तो दिखाओ मैं तो बस गुजार रही हूँ। अच्छा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से आज इसने भी नया सूट पहन लिया, शुक्र है पहन लिया है। तो जी अभी यहाँ से चलेंगे और तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आगे का व्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अगर कहीं रुक के खाना वाना खाया तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो आप सब बहन भाइयों कैसी लगी है आप लोगों ने जरूर बताना है। तो जी अभी हम यहाँ से चलेंगे और साथ साथ आप बहन भाइयों से वीडियो भी शेयर करते रहेंगे,
तो इन जनाब का लुक भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं जी। ये रांझा बना दिया इसने, ये देखें जी। हाँ। रांझा बना दिया, आप कहती है इसकी पसंद का सूट है जी। हालांकि मैं ऐसे सूट जो है ना बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन यकीनन अब बेगम की बात तो माननी पड़ेगी। अगर इसकी बात ना मानी तो ये मेरे साथ जाएगी भी नहीं है ना। फिर मैंने आज नया सूट पहना है आपकी पसंद का, तो आपको भी पहनना है। थैंक यू वेरी मच, चलें बस अब। हाँ बस अजाने हो रही है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो जी अभी हम मथुरा पहुँच चुके हैं और अस्पताल हम आए, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि 3 बजे से पहले जो है ना चेकअप नहीं होता है, तो 3 बजे आप लोग आए, तो अभी आधा घंटा रहते हैं और अब हम सोच रहे थे हम क्या करें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे पास। नहीं 30 मिनट जो है ना 30 मिनट रहते हैं, 3 बजे वो कहते हैं आएंगे अल्ट्रासाउंड वाले, ठीक है ना, तो उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड होगा, तो फिर अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, पार्क में चले जाते हैं। तो इधर फिर सब्जी मंडी भी साथ है, कोई आलू गोभी आलू गोभी लेने आते हैं। क्या ख्याल है, आलू इकट्ठे उठा जाते हैं 2 बोरियां पहले, तो घर में 2 भरे हुए आलू से। अच्छा चलें जी, मेरे ख्याल में वीडियो को एंड कर दो। बिल्कुल, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे चलते हैं, आगे की वीडियो भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, तो साथ साथ रहने, अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा उनका ख्याल रखिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जल्दी अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।